नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज सोयाबीन का समय निकालने का चल रहा है और आप देख रहे हो कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। कितना परिश्रम कर रहा है किसान सोयाबीन निकालने के लिए। आज कुछ नज़ारा बताऊंगा कि किसान कितना परिश्रम करता है और फिर भी सोयाबीन के भाव कितने डाउन हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आज मैं खड़ा हूँ खेत पर और यहाँ पर थ्रेशर चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ की कंडीशन। आप बारिश हो रही है, सभी किसान ट्राली के नीचे छुपे हुए हैं, थ्रेशर बंद है और किसानों की सोयाबीन गीली हो रही है। किस तरह से वो अपने त्रिपाल से सोयाबीन को ढक रहे हैं आप देखो। और ये देखो सोयाबीन कटी हुई पड़ी है, फिर भी एक बीमा कंपनी वाले भी किसानों को मुआवजा देने के लिए कितनी बार सोचते हैं और बीमा तो उसी समय काट लेते किसान का। और आप देख सकते हो किसान मतलब परिश्रम देखो आप सभी। ये बारिश हो रही है जमाजम, मैं यही ट्रैक्टर में खड़ा हूँ और बता रहा हूँ आपको कि वास्तव में किसान कितना संघर्ष करता है। उसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर बनता है और लाइक और शेयर ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो हर मुसीबत को सहन करता है और आगे बढ़ने की ठानता है और देश के हर नौजवानों और देशवासियों का पेट भरता है। आप देख सकते हो कि सोयाबीन में कितना खर्चा लगाने के बाद भी इस तरह से गीली हो गई है किसानों की जो सोयाबीन, आप सब देख रहे हो। तो आपको मैं और बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए कि जैसे हमारे सोयाबीन की जो आज ये पानी बारिश हो रही है, इससे बीमा कंपनी वालों को भी सूचना करना चाहता हूँ कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तो बीमा कंपनी वाले भी इस वीडियो को देखे और सोचे कि किसानों को मुआवजा देने के लिए हिचकिचाए नहीं और मुआवजा दे। देश की शान किसान इस चैनल को आगे बढ़ाइए और इस आवाज़ को उठाइए, हमने इसको आगे बढ़ाइए। सभी किसान भाई से निवेदन है कि इस आवाज़ को आगे से आगे बढ़ाइए। जो भी किसान का बेटा है, किसान है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को सभी को देखना ज़रूरी है, क्योंकि किसान कितना बेबस है आप देख सकते हो वीडियो के ज़रिए। थ्रेशर खड़ी है, कई किसान भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सभी खेतों में यही कंडीशन है, तो देख सकते हो आप। जय जवान जय किसान, देश की शान किसान, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, किसानों की जो मुसीबत है उसको पहुँचाए आगे। जय जवान।